Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जिम सिमुलेटर। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में मैंने अपना खुद का एक जिम खोला है, टेक्नो जिम, और अभी मैं उस जिम को बहुत फेमस कर चुका हूँ, उससे बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, जिम को बहुत लग्जरी बना दिया। बट आज मैं जाने वाला हूँ बॉक्सिंग के लिए। हाँ, मतलब देखो, जिम तो चलता ही रहेगा, वहाँ पे बंदे आएंगे, जिम करेंगे, मैं पैसा कमाऊंगा। मैंने भाई बहुत सारे एम्प्लॉइज रख लिए हैं, तो मुझे पूरे टाइम काम करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे मशीन वगैरह खराब हो जाती तो मुझे रिपेयर करनी पड़ती थी, क्लीनिंग करनी पड़ती थी बाथरूम वगैरह की, बहुत ही सारा काम था। बट अभी मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, मतलब वो थोड़ा कभी कभी बंदों का ऑर्डर आ जाए तो ब्रेड वगैरह सेक के देनी पड़ जाती है, वो जूस वूस बना के देते हैं, बट ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आज मैं जाने वाला हूँ बॉक्सिंग के लिए। अब पता नहीं इस गेम में मैं बॉक्सिंग करूंगा या फिर हम लोग बॉक्सिंग रिंग भी खरीद देंगे, वो नहीं पता। वो चल के पता करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी चलते जिम ओपन करने। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू क्या नाम है यार अपनी सिटी का? देखो यार, घर तो देखने में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क जैसी है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क। हाँ, वो पता लगा कि इतने महंगे एरिया में हमारा एक छोटा पिद्दू सा घर है, पता नहीं कौन सी गली में आके। मतलब यार सच में एक कमरे का घर है यार अपना, तुम इसको भी पूरा मत गिनना भाई, ये है अपना। बस ये वाला तो शायद से पड़ोसी का है किसी। अपना घर भाई, ये दरवाजा, ये शटर खत्म। बाकी ये है ना अपना प्यारा सा डॉग, इसका नाम मैंने जैकी रखा था। चलो भाई, ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसे अडॉप्ट करा था। भाई कितना इतना ही बड़ा था कि मुझे आज ही ज्यादा बड़ा। अरे अरे, पीछे क्यों बढ़ रहा है? बॉक क्यों रहे? रुक जाना, देखो चार दिन से कुछ खिलाया नहीं, तुम मेरे पे ही चढ़ रहा। हाँ, तो मैंने इस डॉग को अडॉप्ट करा था। फिलहाल अपने को ना यार बहुत जल्दी सुबह सोकर उठना होता है, क्योंकि जिम में बहुत ही खतरनाक बंदे आते हैं फिटनेस के लिए। तो अगर मैं चल के जिम नहीं ओपन करूंगा तो बेचारे आके जिम नहीं कर पाएंगे ना। तो जल्दी से चलते हैं और टेक्नो जिम को ओपन करते हैं फटाफट से चल के। और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जिम ओपन है। नहीं, जिम क्लोज ही है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आए हैं। ये देखो, लास्ट टाइम मैंने इन भाई साहब को और इन भाई साहब को हायर करा था, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। मैं जितना कमाता हूँ ना, उसके आधे से ज्यादा इन लोग की जेब में जाता है। पर ठीक है यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनकी वजह से। अरे तू अंदर क्यों? इधर आ, बाहर आ, बाहर आ, यहाँ पर आकर बैठ। बाहर तू थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड टाइप बंदा है भाई, देख अगर कोई घटिया बंदा है उसको काट लेने का। चलो हाँ, ये क्या चीज है भाई? ओ, मेरे को अगर अपने डॉग को कुछ खिलाना पिलाना है तो मुझे यहाँ पे मैं उसे खिला सकता हूँ। तो मुझे पानी और डॉग फूड खरीद के लाना है यहाँ पे रखने के लिए। बाकी जिम ओपन हो चुका है, अभी तक कोई आया नहीं यार। क्या ठीक है, एक बार देख कर आते हैं अंदर क्या सीन चल रहा है। लास्ट टाइम ना मैंने अपने जिम में दो ये शार लेने के लिए लगा दिए थे, ये कपड़े चेंज करने के लिए। दो लोकर्स हैं और इस तरफ में ये वुमेन्स वाला है, तो इसमें भी बहुत सारे लोकर है, और इधर शार लेने के लिए। सब कुछ एकदम बढ़िया फैसिलिटीज है यार अपने जिम में, एक से एक चीजें हैं। बाकी ठीक है भाई, जिम ओपन हो चुका, बंदे आने लग गए। अरे भाई, वो क्या कैसा सा डॉग है यार, तू हट आगे से। दिख रहा है वो चार बंदे आ रहे, इधर इधर बैठ तू, कोई भी कस्टमर नहीं अटकना चाहिए। हाँ चलो, अभी वापस आए हैं और भाई साहब जी को अभी आ रहा सफाई करने, इतनी देर से जब लोग नहीं आए थे तब कर लेता। बाकी ठीक है भाई, आज दो नए लोग और आए हैं ज्वाइन करने के लिए। हेलो सर, हेलो मैम, हाँ जी आपकी ज्वाइनिंग कराए थे। भाई ये बंदा आया वीआईपी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इस गेम में तीन टाइप के हैं, लो क्लास, स्टैंडर्ड, वीआईपी। पहले जो बंदे आते थे ना भाई, सिर्फ लो क्लास वाले आते थे, अब जो बंदे आते हैं भाई एकदम टॉप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये मैम भी वीआईपी सब्सक्रिप्शन, ठीक है भाई। दो नए लोग आ चुके हैं जिम में। अबे एक सेकंड भाई, क्या ऑफिस, ये क्या है यार, थोड़े कपड़े वपड़े, जींस पहन के जिम कर रहा है। हाँ मतलब जींस तो फिर भी ठीक है, शर्ट और जींस ठीक है यार, बंदा थोड़ा सा सीरियस है बेचारे पे, टाइम की कमी होगी, सीधा यहाँ से जिम करके ऑफिस चले जाता होगा सुबह सुबह। बाकी हाँ यार, अपने जिम में सचमुच में बहुत ज्यादा ही लोग भर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, थोड़े टाइम में मुझे जिम छोटा लगने लग जाएगा। मुझे ना इसके जो बगल वाला एरिया है ना, ये भी खरीदना, ये सेल पर है, एंड इसको खरीदने के लिए लेवल 8 होना चाहिए, अभी मेरा लेवल 6 है। तो आज मुझे जाना है बॉक्सिंग क्लब पे, जहाँ पर जाने के लिए लेवल 7 चाहिए। तो मुझे फटाफट से अपना लेवल बढ़ाना है भाई, जल्दी जल्दी बहुत सारी मेहनत करते हैं। ऐसे मुझे तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, ये बंदे आ रहे हैं ना, इनको जिम में लेना है बस। हाँ जी, आपको स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ले लो भाई, आपको चाहिए वीआईपी सब्सक्रिप्शन, ये लो भाई साहब। मुझे तो लग रहा है जिम में मशीन्स बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट हर एक मशीन पे वर्कआउट चल रहा है, यहाँ पे भी वर्कआउट चल रहा है, इधर भी वर्कआउट चल रहा है, इधर। अरे इसके तो कपड़े फट गए भाई, बड़ी मेहनत से जिम कर रहा है भाई, तू बना लेगा, आर्नोल्ड फेल कर देगा भाई। तू इधर भी वर्कआउट चल रहा है, इधर भी वर्कआउट, इधर भी वर्कआउट, इधर भाई साहब कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर रहे हैं बंदे। फिलहाल जिम में अपना एक विटामिन बार है, जहाँ पे लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीदने आते हैं। ये चिकन राइस है, ये लो चिकन राइस खाओ आप। कहने गेटा चिकन राइस तो लेना भाई, अब पकड़ इसे, पका के देने है। अच्छा ओ सॉरी, मुझे इसे कैसे कुक करके देना है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो चेंज हो चुका है। पहले मैंने टोस्ट लेते थे, इसको प्रोटीन शेक चाहिए, ये लो भाई प्रोटीन शेक 50 रुपए का। ठीक है भाई, पहले जो टोस्ट हुआ करते थे अभी वो चिकन राइस बन चुके हैं। बाकी मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इसमें ना सामान खरीद के ला के डालना पड़ता है। बाकी यहाँ पर एक और बंदा आया शेक वेक के लिए। भाई ये बड़ी सही चीज है, इससे अपनी एक्सपी भी बढ़ती है और पैसों की कमाई भी होती है। ये लो मैम, अच्छा आपको एक मिनट रुको यार, आपको चिकन राइस चाहिए ना, ये लो भाई। पहले पता है क्या सीन था, पहले अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन थी, अभी मैंने दो मशीन लगा लिया है। तो किसी भी
इसमें को वेट नहीं करना पड़ता, मैं बहुत सारे ऐसे कुक करने के लिए लगा देता हूँ। बाकी एक चीज मैंने अभी ये नोटिस करी कि मैं इन ग्लासेस को ना भर के भी रख सकता हूँ। ये देखो ऐसे 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 मैं भर भर के यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ। ये उठाया, इसमें भरा और ये रख दिया, उठाया भरा रख दिया। अब जो भी कोई आएगा तुरंत इसे उठा के ये दे दिया, इजी पीजी। बाकी यहाँ पर दो लोग और नए आए हैं, चलो आ जाओ। इन मैम को चाहिए वीआईपी सब्सक्रिप्शन, ये लो भाई। भाई सही बता रहा हूँ, जिम में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं यार, बहुत ही ज्यादा। तो जिम मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट 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 भाई, दो लोगों को ऐड करने आया था, दो लोग उतनी देर में और आ गए, तो टोटल चार नए लोग जिम में आ गए भाई पिछले चार सेकंड में। भाई सही बताऊं, बहुत सारे लोग आते हैं जिम में। इस बंदे की सबसे ज्यादा तगड़ी फिजिक्स है, देख रहे हो, पूरा रोबोट लगता है यार, बहुत ही डेंजर लेवल की फिजिक्स है। आगे ठीक है ठीक है, दो लोग आए हैं। प्रोटीन शेक, ये लो प्रोटीन शेक, पकड़ो भाई फटाफट। दो प्रोटीन शेक बेच दिए, इसको रख दो यहाँ। मैं सोच रहा हूँ सारे ग्लास ना भर भर के रख देता हूँ यार। मैंने तो यार इसको पूरा ही खाली कर दिया, पूरा जार खाली हो चुका है। अभी मुझे ना एक बार स्टोर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाना चाहिए। स्टोर वैसे तो ज्यादा दूर नहीं, अपने जिम के बगल में स्टोर है, लगे हाथ अपने डॉग के लिए भी फूड खरीद लूंगा। बेचारा सुबह से भूखा, सुबह से नहीं दो तीन दिन से भूखा बैठा है वो। हाँ, तो मुझे यहाँ से चाहिए होगी कुछ वाटर बॉटल्स, और मुझे चाहिए प्रोटीन शॉट का डब्बा पूरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये भी ले लेते हैं। बाकी डॉग फूड, कोकोनट ड्रिंक है भाई ये है डॉग फूड, दो डब्बे डॉग फूड खरीद लिया मैंने। लेमन प्रोटीन फ्लोर, ये पता नहीं क्या ले लेते हैं। बाकी तो चिकन राइस बहुत सारा खरीदना भाई, बहुत ही सारा। चलो बहुत सारा खर्चा कर दिया मैंने, काफी सारी चीजें खरीद लिया, फटाफट से चल के इसे जिम में लगा देते हैं। वैसे गाइस एक कूल चीज बताऊं क्या है, अपने टेक्नो जिम के एग्जैक्ट सामने एक फ्री वाला जिम है, जहाँ पे लोग ऐसे आकर अपना जिम विम कर लेते हैं। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, आज भी तुम ज्वाइन करोगे बढ़िया बॉडी, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, सही बताऊं तो इसकी भी अच्छी बॉडी है। बट यार इधर आओ, सामने थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, बट फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, तुम अपना आराम से शार वार लेके जिम करो भाई। लाओ यहाँ पे दो नए लोग आए हैं, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, ये लो। मैं तो सही बताऊं बस वेट कर रहा हूँ कब मेरा लेवल 7 हो और कब मैं जाऊं बॉक्सिंग के लिए। लो क्लास वालों को अलाउड नहीं है भाई, कैंसिल कैंसिल। देखो मैम अगर आपको स्टैंडर्ड वाला लेना है तो ठीक है, वरना आप जा सकते। स्कैमर स्कैमर कैसे बोल रहे, हम लोग लो क्लास नहीं बेच रहे अभी। ओके प्रोटीन शेक के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है, ये लो प्रोटीन शेक, ये लो प्रोटीन शेक। अब मैं इसके अंदर बना देता हूँ भाई, पांच बोतल पानी डालना है और ये बन गया। तो बाहर से प्रोटीन शेक भर के बना दिया, बाकी एक बार बाहर चलते हैं, डॉग के लिए फूड डाल देते हैं। इधर पानी डालना है और इधर डॉग फूड डालना है। ले भाई खा ले, खुद से खाएगा क्या जाके, फूड खा ले भाई। मैं इसको प्यार तो कर सकता हूँ बट मैं इसको कैसे बोलूंगा फूड खाने के लिए, तू एक काम कर छोड़ बैठ ही जा, बैठा हुआ तो ठीक लग रहा है। ओके दो नए लोग आ चुके हैं भाई, जल्दी आओ यार। स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आ जाओ, वीआईपी सब्सक्रिप्शन डन सीन। चलो भाई दो और नए लोग को ऐड कर दिया। बाकी यार कितना काम करवाओगे तुम लोग मेरे से, ये ले तू भी ले। एक बार कंप्यूटर में चल के देखते हैं कि यार शॉप में नई नई चीजें क्या क्या आई है, बहुत टाइम होगा गेम खेले तो देखते हैं क्या पता कोई नई जिम की मशीन। ओ आई थिंक ये वाली मशीन पहले नहीं, ये सब थी यार, ये सब तो मैंने महंगी, ओ ये नहीं थी भाई, ये वाली नहीं थी, ये एक नई मशीन है, ये वाली खरीद लेते हैं भाई। तो अभी मैंने एक नई मशीन खरीदी है, इस वाली मशीन को मैं लगाने वाला हूँ, स्मिथ मशीन कहते हैं इसको। तो इसको वैसे जगह कम है यार, बट अभी कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। सही में यार मुझे स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी फिलहाल के लिए इस मशीन को मैं यहीं पे लगा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को भाई जिम में आज मैंने ऐड कर दिया, लगे यहाँ। बाकी ये लो मैम शेक पियो। अच्छा जैसे बंदे जिम से बाहर जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होता। एक मिनट, अपना एक मैकेनिक यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्यों है, दूसरा वाला क्लीनिंग कर रहा है, इस गधे को दिख नहीं रहा कि ये वाली मशीन खराब है, ठीक करे उसको, मुझे करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल ही कसम से काम नहीं करने का मन करता किसी का। वैसे हाँ यार बस वही वाली खराब थी, बाकी सारी मशीन ठीक ही है। मतलब क्या ना इन सब मशीन के एकदम स्क्रू वगैरह टाइट वाइट रहने चाहिए भाई, वरना थोड़े थोड़े टाइम में खराब पड़ जाएंगे। वैसे जितनी महंगी वाली मशीन है वो काफी ठीक रहती है, ये जो पुरानी वाली है ना मैं इसको बेच ही दूंगा और सारी नई वाली खरीद लूंगा जब अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे तब। फिलहाल अभी के लिए तो रखना ही पड़ेगा यार थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ देखते देखते रात हो चुकी है और आज रात 10 बजे बॉक्सिंग क्लब में आने वाले भाई, इसलिए मजे। ओके ठीक है, दो लोग यहाँ पे चिकन राइस के लिए आए हैं ऑर्डर लेके, तो एक लगाते हैं यहाँ पे पकने के लिए, दूसरा ये पकड़ो मैम आप, ये वाला भी ऑलमोस्ट कुक हो गया, इसको लगा देता हूँ, ये वाला कुक हो गया, ये लो पकड़ो। अरे वाह भाई क्या ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं यार, ये वाला भी कुक हो गया, लो भाई किसको, ये लो एक और कुक होने लगा देता हूँ भाई, इधर ये भी लगा दिया भाई कुको ने। भाई क्या दबा के बंदे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं भाई सही में, तुम एक बार खुद ध्यान से देखो सामने वाली रूम में। चलो दो और नए लोग आए हैं, ये लो भाई और आपको चाहिए चिकन राइस, ये लो। ओके तो टाइम हो चुका है, जिम इज क्लोजिंग, 8:30 बजे जिम बंद हो जाता है और सारे बंदे चले जाते हैं। और ये देखो भाई, ये नहीं मैकेनिक आधे घंटे बाद चले जाए सारे चीजें ठीक करके, नहीं उसको सब कुछ ऐसे फेंक के जाना होता है। खैर ठीक है, आज के लिए भाई बहुत सारा काम कर लिया हमने, अभी मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग क्लब। पहले मुझे लग रहा था कि बॉक्सिंग क्लब किसी का होगा, हमें वहाँ पे जाके बैट करना होगा या फिर ट्रेनिंग करके हमें खुद फाइट करना होगा, बट ऐसा नहीं है, बॉक्सिंग क्लब अपना ही है भाई, वहाँ पे शायद से बॉक्सर्स फाइट करने आएंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे खड़े होकर और पैसे कमाएंगे। लेट्स गो भाई, चलते हैं पब में। इसका एंट्री बहुत डिफरेंट दिया है, मैं यहाँ पे आगे चला गया था मुझे दिखा ही नहीं था। तो ये है बॉक्सिंग क्लब अपना, और इवेंट 20 सेकंड में चालू होने वाला है। बट यार ऐसे बॉक्सिंग क्लब क्या मस्त जगह पे ना, ऐसे एकदम बढ़िया बेसमेंट में आके। चलो गाइस काउंटडाउन करते हैं, अगले 3 सेकंड में यहाँ पे लोग आने वाले हैं। 3 2 1 ओके भाई
3-2-1 होती है, एक बंदा यहाँ पर आ चुका है, ये ऑडियंस है या फिर ये बॉक्सर है पता नहीं, यहाँ पे क्या है वो, अच्छा फाइटर 1 फाइटर 2, ये लोग अपना बैट लगा के लड़ने वाले हैं भाई। अच्छा मैं भी बैट लगा सकता हूँ, वो करना क्या है इसमें, बॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ क्या? एस्टिमेटेड हाय व्हाट्सअप आई एम बैटिंग फॉर फाइटर 2, मेरे को समझना पड़ेगा अभी, मैं बस पैसा लेते जा रहा हूँ, बैट लेते जा रहा हूँ जितने भी लोग आ रहे हैं, मतलब फाइट देखो 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 मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, इनका फाइटर 1 ये है और फाइटर 2 ये है, आई एम बैटिंग फॉर फाइटर 1 एस्टिमेटेड वैल्यू 227। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइटर 2 जीतेगा, तो जो जो लोग फाइटर 2 पे बेट लगा रहे हैं मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फाइटर 1 नहीं जीतेगा, तुम हटो। नेक्स्ट आओ भाई, ये बेट लगा रहा है फाइटर 2 पे, तो इसको लेते हैं, हम लोग फाइटर 2 पे बेट लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सबका ही बेट ले लेना चाहिए या फिर क्या सीन है, आई एम बेटिंग फॉर फाइटर 2, तू आजा भाई, अगर फाइटर 2 जीता तो शायद से पैसा हमारे पास आएगा, नहीं 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 अगर फाइटर 2 जीता, ओ भाई पता नहीं क्या है, गड्डियां भर रहे जा रही है, बस नुकसान हो सकता है अपना भी। मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियंस अगर फाइटर 2 के लिए बेट कर रही है और अगर फाइटर 2 जीत गया तो अपना नुकसान हो जाएगा, मैं डिक्लाइन करता हूं, मैं चाहता हूं फाइटर 1 जीते क्योंकि फाइटर 2 वालों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका है, और भाई ये इसके पास पैसा नहीं है, ये अपना फोन दे रही है क्या, आजा आजा तू आजा भाई, बंदे भाई कुछ भी रख रहे भाई बेट पे, बेटिंग फॉर फाइटर 1 नहीं, वो गाली दे रहा है, अरे क्या हो क्या, फाइट चालू हो गया, मैं तो खड़े रह गए यहाँ पे, हेलो आई थिंक मेरा गेम ग्लिच हो चुका है गाइस, अभी मैं क्या करूं, मैं गेम बंद करूं क्या करूं भाई, भाई सारे लोग चले गए यार, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या है, मेरा गेम ही ग्लिच हो गया, रीस्टार्ट करूं क्या, वो देखो कोई जीत के जा रहा है, मुझे पता नहीं अपना नुकसान हुआ है घाटा हुआ है। ओके गाइस गेम रीस्टार्ट हो चुका है और मैंने गेम तो ठीक कर दिया, बट वो फाइट वाला सीन मैं नहीं देख पाया बिल्कुल भी, बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बॉक्सिंग क्लब अपना ही है और ये जो फाइट है ये हमेशा होने वाली है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा अच्छे से देखूं और समझ के आऊं कि करना क्या है। फिलहाल आज हमने काफी सारी चीजें अनलॉक करी, लेवल 7 कर लिया, जिम में और भी बहुत सारे नए लोग आ गए, और लेवल 8 करते ही मैं ये नया वाला एरिया भी जल्दी ओपन कर लूंगा, जल्दी क्या भाई नेक्स्ट वीडियो में ही हो जाएगा ये, बाकी मैं अभी पता क्या सोच रहा हूं, चल के मैं जल्दी से सोता हूं, फटाफट से चल के सोते हैं और एक बार मुझे ना वो बॉक्सिंग फाइट देखनी है कि आखिर उसमें होता क्या है, तो सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो शायद से दोबारा होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सोकर उठ चुका हूँ, लास्ट टाइम तो अपनी वो जो फाइट वाला सीन है पता नहीं क्यों ग्लिच हो गया था, तो मुझे दोबारा से ट्राई करना है, तो अभी मैं वापस से आ चुका हूँ बॉक्सिंग क्लब में, और हमेशा की तरह इस बार भी रात में 10 बजे होने वाली है, तो मुझे 10 बजने का वेट करना होगा, चलो वापस चलते हैं, तो क्या ठीक है मैं अपने यहीं पे वेट करता हूँ, 10 अपना बजते रहेंगे। ओके गाइस, तो काफी टाइम हो चुका है और सही बताऊं तो आज के दिन मैंने कुछ काम नहीं करा, बस पूरा डे स्किप करने का ट्राई करा है, बिकॉज मेरे को चेक करना था कि बॉक्सिंग में होता क्या है, तो अभी दोबारा से अगले दिन के 10 बजने वाले हैं, रात के 10, तो वापस से चलते हैं हम लोग अपने बॉक्सिंग क्लब में और देखते हैं कि आखिरकार बॉक्सिंग फाइट होती कैसे, लास्ट टाइम उस घटिया से ग्लिच की वजह से हमने पूरी बैट वेट लगा ली, फाइट कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जीता कौन हारा कुछ नहीं पता, बट ठीक है मैं वापस से आ चुका हूं क्लब में, अभी चलते हैं हम लोग जल्दी से नीचे, और अगले 10 सेकंड में फाइट यहां पर चालू होने वाली है, तो मैं इस काउंटर पे आके पहले ही खड़े हो जाता हूं, अभी मैं करने वाला हूं काउंटडाउन 3-2-1, टाइम हो चुका है, बंदे आना यहाँ पर चालू हो गए हैं, तो देखो फाइटर 1 है ये लेफ्ट वाला, फाइटर 2 है राइट वाला, तो देखो मुझे पहले डिसाइड करना होगा आप खुद से कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो देखो यहाँ पे भी दोनों बॉक्सर आ चुके हैं रिंग में आकर खड़े हो गए हैं एकदम बड़े तरीके से, ये रेड ये मुझे डेंजर लग रहा है, पिछली बार ये जीत के गया था तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ये जीत के जाएगा रेड चड्डी वाला, एक सेकंड डिक्लाइन नो, मुझे यहाँ पे खड़े होने दो पहले ढंग से, हाँ आओ भाई नेक्स्ट आओ, हाय ब्रो आई एम बेटिंग फॉर फाइटर 1 टेक बेट, अभी जो फाइटर मैंने हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी बेट लेते हैं ठीक है, फाइटर 2 को मना करते हैं या फिर दोनों की ले लूं, टेक बेट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइटर 1 का तो भाई काफी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होना चालू हो गया, आई एम बेटिंग फॉर फाइटर 1, फाइटर 1 के लिए बेट करेगा सिर्फ, पिछली बार भी फाइटर 1 जीता था, फाइटर 2 के लिए नहीं, फाइटर 2 के लिए 20 नहीं, आई एम बेटिंग फॉर फाइटर 2, भाई इसके बदले फोन दे रही है, डिक्लाइन कर देते हैं 20 मिनट, मुझे डिक्लाइन करना चाहिए किसी को, हाँ मतलब ऑब्वियसली जो लोग जीत रहे होंगे उसको डिक्लाइन करना है ना मुझे, भाई ये तो अपना मोबाइल फोन दे रहे, तू आजा भाई मैं इस फोन वगैरह को ले जाकर शायद से बेच सकता हूँ, चलो अभी जितनी भी भाई एक्सेप्ट वगैरह करनी थी मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर भाई फाइट चालू होने वाली है अगले 10 सेकंड, भाई मुंह पे मारने तक सीधा मुंह पे मारियो, लेट्स गो, देखो भाई तुम्हारा बॉक्सिंग क्लब नहीं है मेरा बॉक्सिंग क्लब है, तो मैं ऊपर खड़े होकर देख सकता हूँ, चालू होगी भाई फाइट, दे दे देश में दे, अबे कैसे लड़ रहे हो, आ जाऊं के अंदर ही, ओ भाई चीज़ जा, मेरे पास इस टाइम पर $57 हैं, 57.5, अबे क्या कर रहे हो भाई, धीरे धीरे को मार रहे हो, अबे चीयर्स करो, हाँ बढ़िया गिरा है यार, भाई ब्लू वाला जाने वाला भी पढ़ने लग गए उसके, भाई लेट्स गो गया, और हम लोग जीत चुके हैं भाई, अपने पास $54 थे, $6 हमने कमा लिया, लेट्स गो भाई, कमाई हो गई है भाई अपनी अच्छी खासी, ये थी भाई बॉक्सिंग फाइट ऐसे चिंदी सी, ये जीत के जा रहा है बहुत बढ़िया शाबाश बड़े, दूसरा वाला कहां अमर का मर गया क्या भाई, पता नहीं कहां गया, खैर छोड़ो, बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइम पास था, बट ये है कि हाँ अगर अच्छे से बैट करी जाए तो बहुत कम टाइम में थोड़ी सी बॉक्सिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, मस्त चीज तो यह कि बॉक्सिंग हमें भी नहीं करनी, कोई और ही बंदे आगे अपने लड़के जाएंगे, चलो होगी बॉक्सिंग अभी गुड नाइट, तो चलो गाइस आज के साले वीडियो में इतना ही, आई होप आपको जिम सिमुलेटर का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना।